एक्चुअली विमेन्स के लाइफ में ये पीरियड्स ही सब कुछ है, इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करती है। तो इसका डेट आगे पीछे होना, कम फ्लो आना, कम ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के दौरान खून के कमी होना और ब्लीडिंग कम होना, फ्लो कम होना, ये सब कुछ जब हो जाती है ना हमारे साथ, तो सारे के सारे टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। बहुत सारे वुमेन, बहुत सारे महिलाओं के साथ ये होती है, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल रहती है। तो ये क्यों होता है, इसका सिम्टम क्या है, कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या खान पान करने से ये ठीक होगा, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पीरियड्स कम आने का कारण, यानी ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लैड कम आने का कारण। तो ये क्यों होता है और इसका सिम्टम क्या है और ये होने पर आपको कब डॉक्टर के पास जाना है और कैसे आप इसे अपने घर में ही ट्रीट कर सकती हो, तो ये सारे कुछ एक साथ में ही आपको जानना है। तो कैसे आपको समझना है कि आपके साथ अभी ये हो रहा है, तो इसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक जरूर रहना होगा, वीडियो को जरूर लास्ट तक आपको देखना होगा। छोटा ही एक वीडियो बनने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे पीरियड्स कम आने का सिम्टम क्या हो सकती है, मतलब आपको कैसे समझनी है कि अभी आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं। वुमेन के पीरियड साइकिल है 21 से 35 डेज, ये नॉर्मल पीरियड साइकिल है। रेगुलर पीरियड साइकिल ये रहते हैं 2 से 7 दिन तक, तो 2 से 7 दिन तक ही हम गिनती करेंगे। और पहला दिन किसी का इतना ज़्यादा पीरियड नहीं आते, थोड़ा सा स्पॉटिंग जैसा दिखाई देता था, हम इसीलिए गिनती नहीं करेंगे। 2 से 7 दिन तक ये हो सकते हैं। पहले बात, आपके ये ही पीरियड्स में 7 से 8 पैड आपको यूज़ हो रहे हैं तो नॉर्मल है, उससे भी कम आपके पैड यूज़ हो रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, ये खून के कमी हो रहे हैं या पीरियड्स में ब्लैड कम आ रहा है आपको। तो यह है मेन सिम्टम। 30 से 40 मिलीलीटर पीरियड्स के दौरान खून बाहर आती है, तो ये है एकदम नॉर्मल। इसमें 7 से 8 उससे भी ज़्यादा पैड यूज़ होती है, लेकिन आपके साथ ये नहीं हो रहा है तो आपके ब्लैड कम आ रहा है, ये आपको पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यही कम फ्लो में कम ब्लीडिंग आने पर भी आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहे हैं, एब्डोमिनल स्टोमक पेन हो रहा है, यानी पेट में दर्द हो रहा है, बुखार जैसा महसूस हो रहा है और आपके सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेडेक, तो आपके साथ ये खून के कमी पीरियड्स के दौरान यानी ब्लैड कम आ रहे हैं पीरियड्स में, यह है और एक सिम्टम। और एक सिम्टम हो सकती है ओनली पीरियड्स के दिनों में सिर्फ आपको थक्के निकल रहे हैं, यानी गांठे निकल रहे हैं, ब्लैड क्लॉटिंग आ रहा है, तो पीरियड्स के कमी है ये। और एक सिम्टम है आपके साथ 1 से 2 दिन पीरियड स्टे कर रहा है, उससे भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, जस्ट 1 से 2 दिन, ज़्यादातर 3 दिन, लेकिन फ्लो बहुत कम, तो ये आपके पीरियड्स की कमी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम के बाद भी आपके मन में किसी तरीके का हिचकिचाहट रहे और किसी तरीके का परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से ये कंसल्ट कर सकते हो, परामर्श कर सकते हो। अभी बात करेंगे पीरियड्स कम आने का कारण, इसका भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वजन बहुत ज़्यादा हो जाना, ओवरवेट हो जाना और पुअर डाइट, बहुत ज़्यादा आप तले हुए चीज़ें ले रहे हो, बाहर का फूड ले रहे हो और बहुत ज़्यादा जंक ले रहे हो, तो उसके वजह से क्या होता है, आपके वेट ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो ओवरवेट आप जब हो जाओगे तब जो पीरियड्स वाले हार्मोन होती है, जो दोनों हार्मोन के वजह से पीरियड्स आती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो जाती है, बैलेंस में नहीं रहता है, इसका कोई भी संतुलन नहीं रहता है, खो बैठते हैं, तब जाके पीरियड्स का कम आना और एकदम ना के बराबर हो जाना, दोनों ही सेम है, तो थोड़ा प्रॉब्लम ओवरवेट पर्सन को हो सकती है। सेकेंड में हम बोल सकते उम्र, उम्र यानी एज कॉज होती है, किसी किसी को 30 के आसपास जाने पर ही थोड़ा प्रॉब्लम होती है पीरियड्स का कम आना, यानी 30 जब ओवर कर जाती है तब तो ज़्यादा होती है किसी किसी का, हर किसी को नहीं, और 30 के आसपास 27 से ज़्यादा होती है तो उनके लिए ये प्रॉब्लम कभी कभी साबित हो सकते, तब ना हार्मोन थोड़ा चेंजेस होने लग जाती है तो ये मेनोपॉज की तरफ बढ़ती है, इसीलिए
पीरियड्स कम आना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट में हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी। बहुत सारे वुमेन को ना प्रेगनेंसी के बारे में पता ही नहीं चलते, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद भी थोड़ा स्पॉटिंग दिखाई देता है, थोड़ा सा क्लॉटिंग आती है, तो उनको समझ नहीं आती है, ये गलत फहमी में रहती है। थोड़ा इसको सोच लेते कि अभी हमारा कम ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड्स कम आ रहा है, लेकिन स्पॉटिंग, थोड़ा ब्लड के थक्के आना, खून का थक्के थोड़ा सा आना, गाँठे आना, ये नॉर्मल बात है किसी किसी प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंट लड़की के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है। थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रेगनेंसी पर भी ब्लड क्लॉट थोड़ा सा आ सकती है और कम ब्लीडिंग और स्पॉटिंग जैसा दिखाई देता है, इसके मतलब होती है आप शायद प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट हो सकती है स्तनपान, यानी ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लड कम आने का कारण स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है। आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो जो मिल्क प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स है वो हार्मोन्स ओवुलेशन को ज़्यादा आगे बढ़ा देती है, तो इसके कारण पीरियड्स देरी में आती है बहुत सारे लड़कियों को और कम ब्लीडिंग आने का चांसेस है। उस टाइम में आपको बहुत ही कम कम करके ही ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट हो सकती है जन्म नियंत्रण प्रक्रिया आप कर रहे हो, यानी बर्थ कंट्रोल के लिए कुछ कंसेप्शन आप ले रहे हो, तो वो जो पिल है, स्पेशली जो पिल है बर्थ कंट्रोल के लिए कंज्यूम कर रहे हो, टेक कर रहे हो, तो ये वजह से भी आपके पीरियड्स कम आ सकती है, क्योंकि ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड है ना, ये ओवुलेशन को देर कर देती है, ओवुलेशन में अंडा को ये प्रोड्यूस नहीं होने देते, तो अंडा प्रोड्यूस नहीं होते और गर्भाशय में यूटरस में एक परत बन जाती है, इसके लिए पीरियड्स खुल के नहीं आ सकती है। सभी के लिए नहीं होता है, किसी किसी वुमेन के लिए पीरियड्स खुल के नहीं आती है, इसके कारण गर्भाशय में परत तो बनती है हर किसी को, और सबके लिए पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं, तो इसके लिए भी पीरियड्स कम आने का चांसेस रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकती है ज़्यादा एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज करने पे भी आपके साथ ये पीरियड्स कम आने का कारण हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ऐसा रिक्वेस्ट आई है कि दी बाद में जाके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये पता चला कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद ही हम लोगों को ये पीरियड्स कम आना, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम आना, ब्लड कम आना, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो ज़्यादा एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, ज़्यादा एक्सरसाइज, एक घंटा से भी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो तो किसी किसी के बॉडी के साथ सूट नहीं होती है, तो जाके ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट एंड मैं बोलूँगी, आजकल के दिनों में ये मेन एक पॉइंट बन चुकी है पीरियड्स में ब्लड कमाने का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सिस्ट बनना ओवरी में, तो इसके कारण भी हार्मोनल तो ज़्यादा बिगड़ती है और ये जो लड़का वाला हार्मोन होती है, मतलब मेल हार्मोन, ये ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके वजह से मोटापा बढ़ती है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो किसी किसी का एकदम वेट नहीं बढ़ते लेकिन अंडर वेट है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, तो ये सारे कारण होती है। और ये पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम भी एक कारण है पीरियड्स में ब्लड कम आने की, तो ये सारे कुछ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बोलूँगी सीरियस कुछ प्रॉब्लम, सीरियस कंडीशन आपके साथ हो रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर हो रहा है इंटरनली, जैसे थायराइड हो सकती है, जैसे कुछ ओवरीज का प्रॉब्लम हो सकती है, जो ओवमेन वाली प्रॉब्लम होती है सीरियस कंडीशन, तो वो आपके साथ मे भी हो सकती है, इसीलिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करनी है। तो सेम थिंग, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये ब्लड कम आने पे डॉक्टर के पास आपको कब आना चाहिए, कब जाना चाहिए, ये बहुत सवाल रहती है हर किसी के मन में। ऑब्वियसली आपको पाने तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे या खून बहुत ही कम आ रहा है, फ्लो बहुत ही कम है, 2 से 3 या 4-5 पैड आपको लग रही है एक ही पीरियड्स में, तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। पीरियड्स के इरेगुलरिटी हो रहे हैं, जैसे आपको अभी 2 दिन के लिए पीरियड्स है, 15 डेज के बाद फिर से 2 दिन के लिए आ रहा है, तो यह है इरेगुलरिटी, और आपको 2 दिन महीने नहीं आ रहे तो आपको जाना चाहिए। फीवर है, सिर दर्द है, पेट में दर्द है, तो आपको जाना चाहिए। और जब आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंसी आपको आ सकती है, प्रेग्नेंसी जैसा महसूस हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके मन में कि दीदी सब तो हो गया है, कारण सिम्टम, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अभी तो अभी आपको कौन सा होम ट्रीटमेंट के मदद से थोड़ा सा रिलीफ
रिलीफ मिल सकती है, पीरियड्स खुल के आ सकती है, तो उसके लिए मैं पहले बोलूँगी बॉटल गट जूस आप हर सुबह में, यानी लौकी जूस हर सुबह में आप एक कप करके पीते हो खाली पेट, तो आपको ये प्रॉब्लम से, मैं ये नहीं बोलूँगी चुटकी में गायब होने वाली है, ऐसा नहीं। और कैरेट बीटरूट जूस आपको लेनी है, ये दो आप ले सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज तिल का तेल जो है सीसे में सीड्स के तेल लो, उसके साथ 1 टेबल स्पून जैगरी यानी गुड़ मिक्स करके आप रखो, इसे पीरियड्स आने के 2 हफ्ते पहले से पियो 1 चम्मच करके हर सुबह खाली पेट, तो रेगुलरिटी होगा आपके पीरियड्स की और पीरियड्स खुल के आएगा। और एक बार बोलती हूँ क्या है तिल का जो तेल है ये 1 कप यानी 200 ml आपको लेनी है, 1 to 2 टेबल स्पून जैगरी यानी गुड़ उसे आप मिला लो, रख दो स्टोर करके, पीरियड्स आपके जो एक्सपेक्टेड डे है ना उससे 2 हफ्ते पहले से 1 चम्मच करके ये तेल आपको खाली पेट पीना है। तो देखोगे इसे आप रेगुलरली करोगे यानी 2 हफ्ते पहले से, तो पीरियड्स आपके डेट के दिन आएगा और पीरियड्स खुल के आएगा, तो ये बहुत ही असरदार एक रेमेडी है और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजीली एक मेथड है, इजीली एक होम रेमेडी है। और अदरक आप थोड़ा हल्का टुकड़ों में कट करके पानी के साथ उबल के दिन में 2 से 3 बार पियो, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दालचीनी को आपके खाने के साथ मिलाओ और दूध के साथ मिला के पियो, आप टी पी रहे तो उसके साथ मिला के पियो, खाने के साथ दाल के साथ कुछ भी, 1 टेबल स्पून दालचीनी पाउडर दिन में आपके खाने में ऐड करो, आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो छुटकर आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन आपके साथ है जैसे कि कुछ अंडरलाइंग डिजीज हो सकती है और जैसे थायराइड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाली ये सारे टुटका करके, आप कर सकते हो मेडिसिन के साथ, लेकिन आपको मेडिसिन लेना होगा, डॉक्टर के पास आपको जाना है, कंसल्ट करनी है उनके साथ, उसके साथ साथ ये सारे रेमेडीज आप कर सकते हो। नॉर्मली आपको स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम है तो आप ये रेमेडीज कर सकती हो, नो प्रॉब्लम, आपको पीरियड्स खुल के आएगा, कुछ प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। तो गाइस ये था मेरे आज के वीडियो, ब्लीडिंग कम आना, पीरियड्स के दौरान खून के कमी, पीरियड्स में ब्लड कम आना, सारे इंक्वायरीज आप करते हो, तो सारे कुछ जानकारी था इस वीडियो में। आई होप आप सभी को अच्छे लगे हैं, हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो ये सारे बातों में जो मैं बोल चुकी हूँ वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर, क्या प्रॉब्लम आपको है कमेंट में आके जरूर बताओ, नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में आके जरूर बताना मत भूलिएगा। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपकी सबसे जिनके साथ जरूरत है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू में जो बेल टिंगटिंग है ना उसे भी दबा के रखना, क्योंकि बेल टिंगटिंग आपके पास नोटिफिकेशन भेजते ही रहेंगे मैं जब मेरे चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो डालते रहूंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, थैंक यू।